कि देखिए आप हकीकत में दीन क्या है। अल्लाह ताला ने फरमाया फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदा फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से अल्लाह ताला ने ज़मीन पर भेज दिया तो उन्हें एक बात बताई, उनसे अल्लाह ताला ने कहा कि तुम तक मेरी हिदायत जाएगी, फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदा, मेरी जानिब से हिदायत जाएगी, रहनुमाई जाएगी, फ़मन तबिअ हुदाया, और जिसने मेरी हिदायत की इत्तबा की उसे मान लिया, फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन पर कोई खौफ नहीं होगा, वो गमगीन नहीं होंगे। यानी असल इस्लाम वही है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, वही इस्लाम वही दीन है। दीन के नाम पर अगर कुछ और बताया जाए तो वो गुमराही है। दीन के नाम पर ऐसी बातें सिखाई जाएँ, ऐसी बातें बताई जाएँ जिसका ताल्लुक कुरान और हदीस से नहीं है, तो चाहे वो जितनी अच्छी बातें कितनी भी अच्छे अंदाज में बयान की जाए वो दीन नहीं है। अब हम देखें अपने इलाके में कितनी सारी मस्जिदें ऐसी हैं जहाँ सिर्फ किस्से कहानियाँ सुनाए जाते हैं, किस्से कहानी, उसका दीन से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ किस्से कहानी। हाँ, उसमें करामात के नाम पर, वलियों और बुज़ुर्गों के, हाँ, एक तरह से उनके कारनामे के नाम पर वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं, तो उसमें माशरे में इस्लाह का काम क्या होगा? इस्लाह का काम क्या होगा? इस्लाह में पहली चीज़ आती है कि आदमी के अकीदे की इस्लाह की जाए, अकीदे की इस्लाह की जाए, उसका ताल्लुक बिल्लाह मजबूत किया जाए, अल्लाह से उसका कनेक्शन जोड़ा जाए, बंदे को अल्लाह से कनेक्ट किया जाए, उसी से दूर रख करके मज़ारों में, वहाँ बाबाओं के यहाँ यहाँ लगा के रखे हुए हैं, वो क्या बताएंगे? तो माशरे में इस्लाह कहाँ होगा? उनके यहाँ तो सिफारिश के नाम पर लोगों को इबादतों से भी दूर कर दिया गया, यानी फलां फलां का दामन पकड़ के मचल जाएंगे, निकल जाएंगे, ऐसा लगता है कि ट्रेन में चढ़ना है, ट्रेन से उतरना है, ये कपड़े ऐसे निकल जाएंगे। यह बहुत मामूली, इतना हल्का बना के रखा है कि दीन के नाम पर उनके यहाँ कोई खौफ ही नहीं पैदा होता है कि हमें ये करने की ज़रूरत हो, ना हमारी निजात नहीं होगी। निजात के लिए इतने सारे उनके यहाँ ऑप्शन रखे हुए हैं कि फलां फलां से बैत कर लो निजात हो जाएगी, फलां का दामन पकड़ लो निजात हो जाएगी, फलां के साथ, हाँ, उनके उनके अकीदतमंद बन जाओ, उन आपकी निजात हो जाएगी। तो ये भी बड़ा अलमिया है कि मसाजिद हैं, लेकिन मसाजिद में जो उलमा है वो उलमाए सू हैं, एक तरह से जिन्हें किताब व सुन्नत का इल्म नहीं है, वो दीन के नाम पर कुछ और बताते हैं, दीन के नाम पर पब्लिक को किसी और काम पर लगा के रखते हैं, दीन के नाम पर अवाम को किसी और काम में बिजी रखते हैं, ताबीज़ गंडे, हाँ, तीजा फातिहा, कुरान खानी, यही उनके यहाँ दीन बन कर रख गया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं।